क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एम एन पैरेलल बी सी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन इज इक्वल टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ ए एन इज टू एन सी इज इक्वल टू 4:5 देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर बी सी है, चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि ए एन अनुपात एन सी बराबर 4:5 है तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इन्होंने क्या क्या दिया है, इन्होंने दिया है सबसे पहले कि एम एन समांतर बी सी है। देखिए अगर ये एम एन समांतर बी सी है तो इस चीज को समझिएगा आप, इन्होंने बोला है कि एम एन समांतर किसके है, बी सी के। तो ए बी सी आपको ट्राइंगल दिया है जिसमें एम एन, एम एन समांतर किसके, बी सी के। अगर ये समांतर है, एम एन कैसा है, समांतर है बी सी के, मतलब ये दो समांतर रेखाएं, और आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं को दो त्रिकछेदी रेखा अगर काटती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे में कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, और अगर हम बात करें कि एंगल ए, तो इस ट्राइंगल ए एम एन में और ए बी सी में एंगल ए तो दोनों जगह कॉमन है, तो आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे, तो अगर हम ट्राइंगल बात करें त्रिभुज ए एम एन एंड त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में, दोनों त्रिभुजों में अगर हम बात करें तो आप देखिए, आप कहेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉमन है। इतनी चीजें लिखनी नहीं है बेटा, लेकिन समझ लीजिए, कभी दोबारा से आ जाए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एंगल एम बराबर किसके, तो आप कहेंगे एंगल बी के, एंगल एन बराबर किसके, तो आप कहेंगे एंगल सी के। तो अब तीन कोण अगर बराबर हो गए तो ये कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कि ये समरूप त्रिभुज है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये कैसे त्रिभुज हैं, दोनों समरूप है, समरूप मतलब सिमिलर हैं, सिमिलरिटी लग गई यहां पर, ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग यानी कि स्क्वायर उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए आप, अगर हम बात करें कि ए एन अनुपात एन सी आपको कितना दिया, तो ए एन आपको ये 4 दिया, एन सी आपको 5 दिया। तो बड़े त्रिभुज में अगर हम ए सी, इस बड़े त्रिभुज ए बी सी की भुजा की बात करें तो वो कितनी है, 9 है, छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी है, 4 है। तो अब आप देखिए, अगर हम बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, या छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर अगर हम बनाते हैं, यहां पर अनुपात किसका, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल का अनुपात किससे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहां से हमने क्या निकाल लिया, ए सी निकाल ली कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए सी 9 है, ए एन निकाल लिया कितना है, तो ए एन आप कहेंगे सर 4 है। देखिए आप, ए एन आपने 4 निकाल लिया, ए सी आपने 9 निकाल लिया, तो संगत भुजाएं निकाल ली, अब इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले हमने छोटा वाला लिया, तो ये 4 का वर्ग और बटे 9 का वर्ग, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा यानी कि 16:81। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 81 है तो त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल कितना है, 16 है। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया बेटा, देखिए आपसे त्रिभुज ए एम ए एन, एम ए एन मतलब वही पूछा गया, एम ए एन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, यानी कि बेटा आपको 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें, तो आपको दिया क्या है ये देखिए आप, आपको दिया है चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल आपको दिया है, ये वाला क्षेत्रफल आपको दिया है। तो अगर ये वाला क्षेत्रफल बेटा आपको दिया है, ये वाला क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो अगर पूरे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से ए एम एन का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आपके पास चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा।
तो आप कहेंगे सर यूनिट में हम निकालेंगे अब किसका क्षेत्रफल, यूनिट में हम निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर, कौन सा, एम बी एन सी का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर दीजिए त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज एम बी एन सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तो आप कहेंगे सर 81 और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 16 और ये कितना दिया आपको, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा आपको 130, तो इसको बराबर किसके कर दीजिए 130 के। अब देखिए आप 11 में 6 गया तो आप कहेंगे 5 2 गया तो 65 यानी कि 130 ये कितना था मीटर स्क्वायर में, तो 65 यूनिट की वैल्यू कितनी है 130 के बराबर। यूनिट और देख लेना बेटा वर्ग सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 16 यूनिट की वैल्यू, तो 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपने देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 19, तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन बी पर, तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना है सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं जब आपको एक ही त्रिभुज दिया है और एक भुजा इस तरीके से ड्रॉ कर दी और वो समांतर हो रही है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है बेटा, तो देखिए यहां पर कह रहा है दी रेडी रेडियस ऑफ ए सर्कल गार्डन इज 42 मीटर, दी डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाई रनिंग 8 राउंड अराउंड इट इज। ठीक है, ये बोल रहे हैं एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ मीटर दिए हैं 42। चलो एक काम करिए, अगर ये पूरा मीटर में है तो फिर आपके आंसर में यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, पहली चीज। ठीक है, और अगर हम हिंदी से सॉल्व करें कि यहाँ सेंटीमीटर में दिए और ये कुल दूरी आपको कितनी दी है सेंटीमीटर में और 8 मीटर चक्कर लगाने में मीटर में आपको निकालनी है, तो फिर आपका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो किसी भी एक माध्यम से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए बस। ठीक, देखिए इन्होंने बोला है कि एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर से करवाए दे रहे हैं फिर आपको मीटर से भी बताया दे रहा है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी कितनी है, देखिए बेटा एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचा गार्डन, इसकी त्रिज्या को हम 42 सेंटीमीटर पहले लेके कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने हैं, मान के चलिए आप यहाँ पॉइंट ए पर खड़े हैं, एक बार ऐसा चक्कर लगा लें, फिर दूसरी बार लगा लें, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, टोटल यदि आप 8 चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी तय करेंगे। तो पहली चीज तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब इस उद्यान के इस गार्डन का आप एक चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी की बात करें, तय की गई दूरी एक चक्कर में बेटा जो आप दूरी तय करेंगे, देखिए कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक एक परिधि होगी कि नहीं, ये व्रत की परिधि है क्योंकि उद्यान कैसा है वृत्ताकार है, तो व्रत की परिधि के बराबर होगी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr। ठीक है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी 42 सेंटीमीटर, तो 7 से कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 7 से ही कट जाएगा 6 बार। अभी कितना हो जाएगा, 6 × 12 12 × 22 कर दीजिए, तो आप कहेंगे 12 × 24 की 4 हासिल में, 2 × 12 = 24 और 2 = 28, 12 × 24 की 4 हासिल में, 2 × 12 = 24 और 2 = 26, सॉरी 28 नहीं, 12 × 24 की 4 हासिल में 2 आ जाएगा, 12 × 24 और 2 = 26। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन देख लेना बेटा, थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभार। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये तो अभी एक चक्कर की दूरी है, आपको कितने चक्कर की दूरी निकालनी है, आपको निकालनी 8 चक्कर की दूरी, तो अगर एक चक्कर की दूरी आपके पास कितनी आ रही 264 सेंटीमीटर रही है, ये किसमें 264 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 चक्कर की दूरी क्या करोगे आप, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 32 की 2 हासिल में 3, ठीक है, 8 × 48 3, 51 की 1 हासिल में 5, 8 × 16 5, 21 यानी कि 2112 सेंटीमीटर, 2112 सेंटीमीटर।
देखिए अगर सेंटीमीटर में आंसर पूछते तो 2112 सेंटीमीटर, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मीटर में पूछा गया, और आप जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो 100 से आप भाग देंगे तो 21.12 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हिंदी के क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर आपका हो गया 21.12, लेकिन आपके इंग्लिश में दिया है कि 42 मीटर, अगर 42 मीटर दिया है तो फिर यानी कि जो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू निकलती है ऑलरेडी मीटर थी, ये भी मीटर थी, एक चक्कर में तय की गई दूरी भी मीटर में, ये भी मीटर में, 8 चक्कर में, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, 2112 हो जाता, ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है, इंग्लिश मान होता है ध्यान रखना, ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, 2112 आपका मान होगा, दोनों तरीके से समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल देन हाउ मैनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स बिकम्स 14:9। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, अब विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़की दोनों मिलाकर, तो विद्यार्थी कितने हैं, तो आपने कहा 640 है। इस 640 में अगर हम बात करें कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे सर 5:3। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकाल लेनी है। तो हमने बोला कि अगर लड़के कितने हैं बेटा, हमने कहा कि लड़के अगर 5 हैं तो लड़कियाँ 3 हैं, तो टोटल कितने हुए 8। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 640 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 80 के बराबर। तो लड़के कितने हो गए, तो 8 की वैल्यू, 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे सर 400, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 40, 5 यूनिट की वैल्यू 400। अब आपसे पूछा जाए कि लड़कियां कितनी हैं, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 80, 3 यूनिट की वैल्यू 240, तो लड़कियां 240 हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखिए आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर 30 लड़कियों का नामांकन हुआ और कितने लड़के और नामांकित हों जिससे कि अनुपात 14:9 हो जाए। अभी हम सीधा सीधा तरीका बता रहे हैं आपको। तो देखिए लड़कों की संख्या हमने बोली कि x लड़के और आ जाए, यहाँ पर सीधा प्लस ही कर दीजिए, b लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला कि लड़के कितने और आ जाए बेटा, x लड़के और आ जाए, नामांकन करा लें, एडमिशन ले लें, तो 400 में x लड़के जोड़ दीजिए और 240 में कितनी लड़कियाँ और ऐड हो गई, 30। तो अब लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है वो 14:9 है, तो यहाँ पर क्या करिए, 14:9 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐड हो रहा है, तो ये 400 प्लस x बटे में कितना हो जाएगा, 270 बराबर में कितना, 14/9, तो 9 9 3 27 यानी 30, 14 3 42, तो ये आपका हो जाएगा 400 प्लस x बराबर 420, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी कि 20 लड़कों का नामांकन और होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर। लेकिन हम आपसे कहेंगे बेटा इतनी कैलकुलेशन से अगर बचना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए किस तरीके से। देखिए लड़के आपके पास कितने थे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो लड़के थे वो ओवरऑल 400 थे, लड़कियां कितनी, 240। अब ये बात तो कन्फर्म है कि लड़कियां कितनी आ गई, 30, तो कितनी हो गई, 270, लड़कियां 270 हो गई। अब देखिए इन्होंने बोला कि अनुपात कितना हो जाता है, 14:9 को हो जाता है, तो आप बताइए 270 को आप किस संख्या से काटें, 270 को आप किस संख्या से काटें कि 9 आए, तो आप 9 का इसमें भाग लगाइए, आप 9 का इसमें भाग लगाइए, आप 9 का जब इसमें भाग लगाएंगे 9 3 27 यानी कि 30 से काटा गया, तभी तो ये 9 आएगा बेटा, 30 से काटा गया, तो यानी कि आप 14 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से, तो 14 में जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 420 हो जाएगा, यानी कि लड़के पहले कितने थे, तो आप कहेंगे 400, अब कितने हो गए, 420, कितने बढ़ गए बेटा, 20 बढ़ गए, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रकार आंसर। बहुत जल्दी कर लेंगे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, कोई एक्स मानने की आपको जरूरत नहीं, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22।
तो यहां पर लिखा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 45 देन द वैल्यू ऑफ 2 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज, आंसर दो है, देखते इसे लगा देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री या 225 डिग्री हो, तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू आपका कितना होता है, तो आपका आंसर दो होता है। सेकेंड यहां से एक बात और निकल कर आती है कि 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी, ये भी कितना होता है 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू भी क्या होता है 2। ठीक, इसमें ही एक चीज और कर लेना बेटा कि अगर यहां पर b माइनस हो जाए, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो 45 डिग्री या 225 डिग्री हो, तो यहां से ही सेकंड कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। तो इसको और देख लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट बोले आइडेंटिटी बोले बात एक ही है। देखें देखिए तो यहां से आपका बनेगा b जहां जहां है वहां माइनस कर दीजिए, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी इक्वल टू कितना होता है, तो आपका आंसर ये भी 2 होता है। प्लस अब देखिए जहां पर बी हमने बोला वहां माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आप माइनस ना करके इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट बी इक्वल टू कितना 2। ये दो चीजें आप याद रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप इन्होंने बोला है कि ए प्लस बी कितना है 45 डिग्री है, तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर इस पूरे की वैल्यू तो 2 होती है, अभी हमने देख लिया भाई इसकी वैल्यू कितनी 2 होती है, तो 2 इसकी जगह पर रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4, 2 इंटू 2 4, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर बात। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 23 देखें बेटा। चलो हम तो पूछ रहे हैं लेकिन ला दिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 20%, then the area of the rectangle increases by x percent, then the value of x is, question आपसे कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x प्रतिशत बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है, तो आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या है। ठीक है, आपको x का मान बताना है, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए, 40% लंबाई में वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो 40% को आप जानते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है, 2/5। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 2/5 में 2 जो है वो 5 का 40% होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली यानी कि प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 5 थी। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 5 थी। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब 2 बढ़ाना है 40%, 2 5 का 40% होता है, तो यानी कि अब लंबाई कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, यहां बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने बोला चौड़ाई को कितना कम कर देते हैं, 20%, तो b मतलब चौड़ाई 20% कम कर रहे हैं, 20% मतलब 1/5 होता है, मतलब चौड़ाई 5 थी तो 1 कम कर दी तो 4 हो जाएगी। तो अगर हम बोलें कि प्रारंभ में चौड़ाई कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 5 थी, अब एक जो है वो 5 का 20% होता है, इसका मतलब 5 प्रारंभ की चौड़ाई थी, अब एक कम हो गई तो अब कितनी हो गई, 4, और आप जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, तो 25 पहले क्षेत्रफल था, 7 × 4 = 28 अब क्षेत्रफल है, तो 25 से 28 हुआ तो वृद्धि हुई या कमी, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, किस में वृद्धि होती है, ओरिजिनल में, तो यानी कि पहले जो 25 क्षेत्रफल था वो 28 हो गया, तो 3 की वृद्धि हो गई, तो इंटू क्या कर देंगे 100, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, क्या होता है इंक्रीज परसेंट होता है, तो 25 × 100 12% की क्या हुई वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे बेटा 12% ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c बराबर नहीं है 0 के एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी इज। ठीक है, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक हम डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे आपको कैसे करना है। तो पहले डायरेक्ट अप्रोच देख लीजिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहां आपको दिया है x की पावर 2a इज इक्वल टू y की पावर 2b इज इक्वल टू z की पावर 2c नॉट इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन है। फिर उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, एक चीज ध्यान रखना है ये इक्वेशन इतनी अच्छी इक्वेशन है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों के मान आप समान रख दीजिए हमेशा सेटिस्फाई करेगी। देखिए एक्स बराबर एक, वाई बराबर एक, एक रखिए, एक बराबर एक, दो रखिए, दो की पावर दो चार, दो इंटू दो चार, तीन रखिए, तीन की पावर दो नौ, तीन इंटू तीन नौ, लेकिन एक्स वाई जेड के मान कैसे रखने चाहिए बराबर। तो यानी कि जो आपको एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड दिया है इसमें एक्स वाई जेड तीनों बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ अगर आप डायरेक्ट अप्रोच से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रख लीजिए ए बी सी की, चलिए हमने ए बराबर एक, बी बराबर एक, ऐसे हम बोले थे एक ही बार में बोल दीजिए भाई, ए बराबर बी बराबर सी बराबर सबको एक बोल दीजिए, कितना बोल दीजिए। तो आप कहेंगे सर ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक ले लिया। ठीक है, तो अगर हमने a बराबर b बराबर c बराबर एक ले लिया तो बताइए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप कहेंगे यहाँ पर x स्क्वायर की पावर a की पावर सॉरी a की जगह पे एक रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर x y z के तीनों मान समान है, तो आप x y z के तीनों मान समान ले सकते हैं, एक 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 या दो 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 या तीन 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 या चार 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 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रखने पर किस में सेटिस्फाई हो रही है, ए बी सी के मान तीनों एक रखने पर, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है आपको लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में कितना दिया है बेटा 2bc। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो एक इंटू एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक इंटू एक अपॉन में कितना एक इंटू एक, तो भाई बताइए ऊपर कितना बचा तीन और नीचे कितना है, तो आप कहेंगे एक, यानी कि फाइनली आंसर कितना तीन, तो तीन पर आप टिक कर दीजिए। लेकिन आप कहेंगे सर क्यों आपने एक पर टिक किया, आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो भी तो तीन आना चाहिए, बी और सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो भी तो तीन आना चाहिए, ए और सी की वैल्यू एक एक रखेंगे तो यहाँ भी तो तीन आना चाहिए, तो ये क्यों नहीं लिया आपने ऑप्शन। तो देखिए बताते हैं, हमने ए पर सेटिस्फाई किया, अगर हम इसको एक ना लेकर हम दो ले लें, अब क्या ले लें दो, तो आपको पता है वो तो सेटिस्फाई होना ही होना है ऊपर वाली इक्वेशन x की पावर चार बराबर y की पावर चार बराबर z की पावर चार, क्योंकि हम x y z को बराबर मानकर चल रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक, अब आप देखिए अगर आप दो दो ले लेते हैं तो दो इंटू दो, तो आप कहेंगे चार 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 थी बारह, बारह बटे कितना चार, तो तीन आया, लेकिन यहाँ तो तीन आ गया। अब आप यहाँ रखिए दो इंटू दो चार थी बारह, दो इंटू दो चार थी बारह, दो इंटू दो चार थी बारह, मतलब जब आपने ए बी सी की वैल्यू दो 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 ली तो यहाँ पर केवल आपको कितना आना चाहिए भाई, आप दो दो रखिए यहाँ पर, अब आप इसमें दो दो रखिए, दो इंटू दो प्लस दो इंटू दो, नहीं आ रही बात समझ में, प्लस दो इंटू दो अपॉन में कितना दो इंटू दो, क्योंकि ए बी सी सबको दो के बराबर माना, तो ये चार प्लस चार प्लस चार बटे में कितना चार, तो आप कहेंगे सर चार थी बारह, बारह बटे चार यानी कितना आ गया तीन आ गया, लेकिन अब इस ऑप्शन में तीन दिया, अगर आप यहाँ रखेंगे तो तीन इंटू दो करेंगे ये आपको बारह देगा, ये भी आपको 12 देगा, ये भी आपको 12 देगा, तो केवल ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर। एक वैल्यू पर तो ये सभी सेटिस्फाई हो रहे थे एक पर, लेकिन दो पर नहीं हुए। तो अगर आप एक रखते हैं और ऐसी कंडीशन आपके दिमाग में बनती है तो आपको क्या रखना है, तुरंत दो रख के देख लेना है। ठीक है, तुरंत आप दो रख के देख लीजिए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर ये आपको जीरो या इनफाइनाइट दे, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर आपको जीरो या इनफाइनाइट मिले। ठीक, ये चीज क्लियर। अब इसकी प्रोसेस और समझ लेते हैं कैसे करना है इसको, तो प्रोसेस की जरूरत है बिल्कुल है, समझ लीजिए जिससे हमारा दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 2a बराबर वाई की पावर 2b बराबर जेड की पावर 2c, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो था, लेकिन हमने इस पूरे को इक्वल टू मान लिया k के, बराबर नहीं है किसके, जीरो के, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन हम जीरो के तो बराबर कर सकते हैं ना, तो हमने जीरो के बराबर कर दिया। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमने लिया क्या x की पावर 2a बराबर में किसका k, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ से k की पावर 1 बाई 2a आ जाएगी। इसी प्रकार
अब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के की पावर 1/2 भी आ जाएगी, और इसी प्रकार जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की पावर 1/2 सी आ जाएगी। ठीक है, हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास क्या दिया था, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड दिया हुआ था हमें, तो इसका इस्तेमाल करें। आप एक्स की वैल्यू रखिए इसमें, के की पावर 1/2a का होल स्क्वायर बराबर में वाई की वैल्यू, के की पावर 1/2b इंटू के की पावर 1/2c। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा के की पावर, ये आपका हो जाएगा 2/2a, और ये हो जाएगा के की पावर। देखिए आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा 1/2b प्लस 1/2c। ठीक, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे जब बेटा आप, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे आधार समान है और बराबर में है, आधार समान है और बराबर में है, तो घाते भी कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो आप कहेंगे सर 2/2a इक्वल टू 1/2b प्लस 1/2c। अब देखिए आप कहेंगे सर 2 क्यों नहीं काट रहे हैं, 2 हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये बटे वाला 2 काटने वाले हैं। तो हमने क्या किया, 2/2a प्लस प्लस नहीं इक्वल, फिर भावनाओं में बह गए आप, क्या लगाना है बेटा यहाँ पर इक्वल, चलिए इक्वल लगा दीजिए, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/b प्लस 1/c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2/a इक्वल टू कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 1/b प्लस 1/c हो गया। ठीक, अब आप क्या करें, अब आप कहें सर आप एलसीएम ले लीजिए, अगर आप एलसीएम ले लें या फिर इस टर्म को उस तरफ ले जाएं तो कुछ ना कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें या इस टर्म को उधर ले जाएं, तो 2/a इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा bc, और ये हो जाएगा ऊपर b प्लस c, a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ab प्लस ac अपॉन में कितना bc। अब आप बताइए आपको कौन सा टर्म और चाहिए, यहाँ पर ab bc ca चाहिए था, तो ab bc प्लस ca चाहिए, तो प्लस 1 इस तरफ कर दीजिए और प्लस 1 आप इस तरफ कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर फिर से एलसीएम में bc आएगा, तो देखिए ऊपर bc चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca और अपॉन इक्वल टू कितना 3। तो यही तो हमें प्रूव करना था बेटा, ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc की वैल्यू तो निकालनी थी, कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, अगर आप इससे करेंगे तो अभी आप बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लें इसको बेटा। क्वेश्चन दिया है, इफ द नंबर 1005/4, 5/ मतलब डिवाइड वाला वाई नहीं, वाई सिंबल है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ वाई विल बी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्या 105/4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो y के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 8 की विभाज्यता का नियम। तो सुन लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं, मतलब यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो उस संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। किससे भाग चला जाएगा, उस संख्या में 8 से भाग चला जाएगा, अंतिम 3 अंक। तो हमारी संख्या कितनी दी है, 105/4, और बोल रहे हैं कि इस संख्या में 8 से भाग जाएगा कि नहीं, तो केवल हमें 5/4 में 8 से भाग लगाकर देखना है। अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम बेटा ऑप्शन ले लें, क्या करें हम ऑप्शन ले लें। इन्होंने पूछा क्या है, बाई के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक, बेटा जब सबसे छोटा पूछा गया ना, तो ऑप्शन में शुरुआत हमेशा सबसे छोटे से करना, तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 0, 1, 2, 4 में सबसे छोटा, तो आप कहेंगे सर 0, तो 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो 5/4। अब आप डिवाइड करिए इसको 8 से, 8 से अगर भाग चला जाएगा तो यही हमारा आंसर है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए 8 छिंगे 48, 2 बचेगा 8 दिया 24, पूरा पूरा भाग चला गया बेटा, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। क्लियर बात, चलिए तो ये हमारा जो SSC CGL का पेपर फर्स्ट था, कब पूछा गया था, 3 मार्च 2020 का ये पेपर है, 3 मार्च 2020 का पेपर था, इसका पूरा सॉल्यूशन हमने आज किया। कल मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। देखिए वीडियो को विराम दें उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे,
यदि आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर ले, बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, साथ ही साथ एकेडमिक एग्जाम की तैयारी के लिए। आपको यहाँ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस आपको उनका पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।